वीडियो में हम बात करेंगे तटस्थता वक्र के अपवाद की। तो बच्चों, सामान्य परिस्थितियों में तटस्थता वक्र जो है वो ऊपर से नीचे दाईं ओर ढालू होता है, साथ ही साथ ये जो इसकी जो ढाल है वो उत्तरोत्तर होती है। लेकिन कई परिस्थितियों में ऐसा भी देखने को मिला है जिसमें जो इंडिफरेंस कर्व है वो न तो उत्तरोत्तर होता है और कई परिस्थितियों में वो एक आप कह सकते हो डाउनवर्ड भी नहीं होता। यानी कि कौन कौन सी ऐसी कैसी परिस्थितियों में इंडिफरेंस कर्व के अपवाद होंगे वो हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है बच्चों सीधी रेखा तटस्थता वक्र, यानी कि पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु। तो बच्चों यहां पर आपको सबसे पहले प्रतिस्थापन वस्तु और पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु में अंतर को समझना पड़ेगा। प्रतिस्थापन वस्तु वे होती है जिनमें एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चाय के स्थान पर कॉफी। लेकिन बच्चों जब आप चाय के स्थान पर कॉफी का प्रयोग करते हो तो आपकी चाय के प्रति जो संतुष्टि है या कॉफी के प्रति जो संतुष्टि है वो बदल जाती है। ऐसा नहीं होता कि वो संतुष्टि सेम रहती है। यानी कि मान लीजिए मैं चार चाय और चार कॉफी पीता हूं, मैं एक चाय में वृद्धि करने के लिए एक कॉफी का सेक्रीफाइस करता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, यानी कि अब एक और चाय के लिए हो सकता है मैं कॉफी का सेक्रीफाइस ना करूं। लेकिन पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु वो होती है जिसमें एक वस्तु की जगह अगर हम दूसरी का प्रयोग करते भी हैं तो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस स्थिति में जो सीमांत जो आपका तटस्थता वक्र है वो एक सीधी रेखा में होता है। मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। पहले यहां मान लीजिए एक्स वस्तु लिख लेते हैं और यहां पे हम वाई वस्तु लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की शेप लिए होता है, बिल्कुल सीधा इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व हो गया। अगर इसमें वृद्धि होती है तो इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ चला जाएगा इस तरीके से, यानी कि ये हायर इंडिफरेंस कर्व को बता रहा है जो कि IC1 है और IC2 उससे हायर इंडिफरेंस कर्व को बता रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार यह सीधी रेखा में क्यों है। तो इसकी वजह है बच्चों सीमांत प्रतिस्थापन दर। मैं यहां पे लिख देता हूं समान सीमांत प्रतिस्थापन दर। यानी कि हमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर सामान्यतः गिरती हुई होती है। यानी कि जैसे जैसे आप एक्स वस्तु की मात्रा को समान वृद्धि करते हो वाई वस्तु का त्याग पहले से घटता चला जाता है। लेकिन अगर वस्तु पूर्ण प्रतिस्थापन है तो उस स्थिति में जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो समान रहेगी। क्यों समान रहेगी वो भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए आप एक्स वस्तु का प्रयोग कर रहे हो और वाई वस्तु का प्रयोग कर रहे हो और हमने ये भी मान लिया कि दोनों ही वस्तु जो है वो पूर्ण प्रतिस्थापन है। पूर्ण प्रतिस्थापन का मतलब है चाहे आप एक्स का प्रयोग करो चाहे वाई का प्रयोग करो आपके सेटिस्फेक्शन में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आएगा। तो आपके पास मान लीजिए एक एक्स है, ठीक है, एक एक्स है और 10 वाई है, ठीक है। और मान लीजिए आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है हम मान लेते हैं, चलिए कोई भी नंबर में रख लेते हैं, हालांकि नंबर में नहीं होगा लेकिन हम X1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप एक एक्स को बढ़ाने के लिए 2 वाई का सेक्रीफाइस कर रहे हो, यानी कि आपके पास यहां 8 रह गया, इसका मतलब प्लस 1 करने के लिए आपने 2 का सेक्रीफाइस किया। लेकिन आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो X1 पे ही बना रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको न तो X वस्तु पहले से कम अच्छी लगेगी क्योंकि X वस्तु की मात्रा में वृद्धि तो हुई है, टेक्निकली तो X वस्तु की मात्रा बढ़ने से उसकी सीमांत उपयोगिता गिरनी चाहिए। लेकिन जब पूर्ण प्रतिस्थापन है वस्तु, इसका मतलब जैसी एक्स है वैसी ही वाई है, तो इससे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। जब कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा तो वो अगली एक एक्स के लिए फिर से 2 वाई सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाएगा, यानी कि 3 और 6। तो ये सीमांत समान जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में समान बनी रहती है, जिसकी वजह से जो तटस्थता वक्र है जो उदासीनता वक्र है जो इंडिफरेंस कर्व है वो बिल्कुल सीधी रेखा में होगा और डाउनवर्ड होगा। ऊपर जाने का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी एक्स वस्तु और वाई वस्तु दोनों की मात्रा में वृद्धि होगी आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ेगा, लेकिन एक ही इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो बिल्कुल डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगा। ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए बात को। बच्चों बात करते हैं पूर्ण पूरक वस्तु की। तो आपको पहले समझना पड़ेगा पूरक वस्तु क्या होती है। पूरक वस्तु वे होती है जो मिलकर आवश्यकता को पूरा करती है, लेकिन पूर्ण पूरक वो होती है जिसका जो रेशो है जो अनुपात है अनुपात वो समान रहे, ठीक है। मान लीजिए आप एक लेफ्ट पैर का शूज पहनते हैं तो राइट पैर में भी एक ही शूज पहनेंगे, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन लेवल जो है, मान लीजिए हम यूटिलिटी को कोई भी नंबर में दे देते हैं, वैसे तो नंबर में होता नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं चलिए 100 में दे दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास लेफ्ट पैर के 2 शूज हो जाएं और राइट पैर का एक ही शूज रहे तो जो लेफ्ट पैर में जो वृद्धि हुई है उससे कोई आपके सेटिस्फेक्शन में वृद्धि तो होगी नहीं,
यानी कि आप उसी लेवल पे बने रहोगे जो पहले थे। इसी तरीके से अगर आपका लेफ्ट पैर का शूज उतना ही रहे लेकिन राइट पैर का शूज में वृद्धि हो जाए तो भी आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को में कोई खास इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंप्रूवमेंट के लिए क्या जरूरी है कि दो लेफ्ट पैर के शूज हो और दो राइट पैर के शूज हो, तब आपका इंप्रूवमेंट आपका बढ़कर 200 हो जाएगा। इसका मतलब पूर्ण पूरक वस्तु की स्थिति में जिस दो वस्तुओं का यूज कर रहे होते हैं उसमें एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का त्याग नहीं किया जाता बल्कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की मात्रा को भी बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से इस केस में जो सीमान प्रतिस्थापन दर है वो शून्य होती है। इसका मतलब एक की जगह हम दूसरे को त्याग नहीं करते। तो देखिए डायग्राम किस तरीके का बनेगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। नीचे में लिख लेता हूं एक्स वस्तु, ऊपर लिख लेता हूं वाई वस्तु। तो जैसा कि हमने समझा, हमने एक कॉम्बिनेशन ले लिया जिसको हम ए बोल देते हैं, ठीक है, इसका मतलब एक एक्स वस्तु है और एक वाई वस्तु है। अगर आपके पास में एक्स वाई वस्तु की मात्रा बढ़कर दो हो जाए लेकिन एक्स वस्तु की मात्रा सेम रहे, या एक्स वस्तु की मात्रा सेम हो जाए वाई वस्तु की मात्रा आप कह सकते हो सेम रहे, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ए बी सी तीनों में बराबर बराबर है, इसलिए ये कोनेदार हो गया। देखिए आप बिल्कुल समझ लिए, एल शेप में हो गया। एल शेप का मतलब है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अगर आप एक केवल एक को बढ़ा रहे हो तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा। दूसरे को बढ़ा रहे हो तो भी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा। अगर आपको सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाना है यानी कि ऊंचे आईसी पर जाना है तो आपको दोनों ही वस्तु की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जब वस्तु पूर्ण पूरक होती है तो उस स्थिति में जो अनुपात है वस्तुओं के बीच का अनुपात वो सेम रहता है, ठीक है, इसलिए सीमान प्रतिस्थापन दर शून्य होती है और दो आईसी जो होते हैं वो एल शेप के होते हैं। तीसरा केस कर रहे हैं बच्चों, जब एक्स एक्सिस पर मुद्रा की मात्रा दी हो। देखिए जब एक्स एक्सिस पे आमतौर पर हम क्या देखते चले आ रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे होती है वस्तु की मात्रा, एक्स वस्तु वाई वस्तु, सब जब एक अक्ष पर मतलब वाई अक्ष पे हम लिख लेते थे वस्तु वाई की मात्रा और एक्स अक्ष पे हम लिख लेते थे वस्तु एक्स की मात्रा। मैं यहाँ पे एक्स वस्तु लिख देता हूं, लेकिन जब वाई अक्ष पे मान लो मुद्रा की मात्रा दी है तो इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से बनेगा। इसका क्या मतलब है कि जब आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 0 गुड्स खरीद रहे हो, मान लीजिए आपने 10 गुड्स खरीदी तो 10 गुड्स खरीदने के लिए आपके पास यहां पे मान लीजिए 40 रुपए हो गए, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने 10 गुड्स खरीदने के लिए 10 वस्तु खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च किए सोच के बताओ, ठीक है। इसका मतलब है कि 10 वस्तु खरीदने के लिए आपने 60 रुपए खर्च कर दिए, यह मतलब है, ठीक है, ये मतलब है इसका। 40 होने का क्या मतलब है बच्चों कि अगर आपने 10 वस्तु, अब चलिए मैं एक और एग्जांपल से बताता हूं, अगर मान लीजिए 20 लिख देता हूं मैं यहां पे और यहां पे मैं लिख देता हूं, चलिए यहां पे भी मैं 20 ही लिख देता हूं, तो क्या मतलब है, इसका मतलब है 20 वस्तु खरीदने के लिए आपने 80 रुपए खर्च कर दिए, तो ये इसका मतलब होता है। ऊपर से नीचे तक ये खर्चा होता है हमारा, ये वाला हिस्सा खर्चा होता है, व्यय होता है, ठीक है, और ये वाला हमारा उपभोग होता है। तो जब हम वाई एक्स पे मुद्रा लिखते हैं तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। जब आप हिक्स का कंज्यूमर सरप्लस पढ़ोगे तो आपको यही इंडिफरेंस कर बनाने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। एक वैसी वस्तु है जिसकी उपयोगिता शून्य है। देखिए मैं मान रहा हूं कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा है जो शराब नहीं पीता, ठीक है, वो केवल पनीर खाता है, तो उसके लिए शराब की उपयोगिता 0 होगी। इसका मतलब यह हुआ कि वो शराब की एक यूनिट के लिए पनीर की एक भी यूनिट यानी कि जरा सा भी पनीर छोड़ने को सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो इस स्थिति में जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो इस तरीके का होता है। इसका मतलब वो केवल वाई एक्स को तो टच करेगा, एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी वो पॉइंट नहीं लेगा। तो इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व होता है, ये हायर इंडिफरेंस कर्व है बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम शराब को नीचे लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं शराब वाइन को और यहां पर लिख लेते हैं पनीर को, तो इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का बनेगा, ओके बच्चों। तो ये वाला डायग्राम उस केस में भी बनता है जब मान लीजिए उपभोक्ता केवल एक वस्तु का प्रयोग कर रहा है। मैं यहां पे लिख देता हूं, जब उपभोक्ता केवल एक वस्तु का प्रयोग कर रहा हूं, ये कॉर्नर सॉल्यूशन की बात करते हैं। जब आप कॉर्नर सॉल्यूशन पढ़ोगे तब आपको यह भी समझना पड़ेगा, जब उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का प्रयोग करता है तो यानी कि जब वो एक्स वस्तु का प्रयोग करता है, मान लीजिए केवल एक्स वस्तु का प्रयोग करता है, तो इस तरीके का डिफरेंस कर बन जाएगा, ठीक है। और जब केवल वो वाई वस्तु का प्रयोग करता है तो इस तरीके का डिफरेंस कर बन जाएगा,
ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व है, यानी कि इस स्थिति में वो केवल एक वस्तु का प्रयोग कर रहा है और इस स्थिति में वो केवल वाई वस्तु का प्रयोग कर रहा है। यहां पे मैं वाई वस्तु लिख रहा हूं, यहां पे भी वाई वस्तु, यहां पे एक्स वस्तु और यहां पे भी एक्स वस्तु। तो बच्चों ये कुछ अपने अपवाद समझे, अब हम आगे भी कुछ अपवाद बचे हुए वो बोलेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने जो समझे थे इंडिफरेंस कर्व के अपवाद, उसमें से कुछ पॉइंट अभी हम और जोड़ देते हैं। देखिए एक सर्कल में बनाया हुआ है, वृत्त है हमारा, इसके चार सेक्शन है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन। तो इन चारों ही कंडीशन के बारे में हम इस पूरे की पूरे वीडियो में डिटेल आप बच्चों से करेंगे। देखिए एक्स एक्सिस पे एक्स वस्तु दी हुई है और वाई एक्सिस पे वाई एक्स दी हुई है। तो अब आप केवल ए सेक्शन पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो ए सेक्शन में जो इंडिफरेंस कर्व है वो उत्तोदर है, जैसा कि नॉर्मल शेप में होता है, ठीक है, जैसे इस तरीके से है, ठीक है। तो ये ए सेक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं बच्चों पार्क, यानी कि एक्स वस्तु पार्क है और वाई वस्तु है झूले। तो जो उपभोक्ता है वो ज्यादा पार्क और ज्यादा झूले को ही पसंद करेगा, इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है वो आप देख पा रहे होंगे ऊंचा चला जा रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि जैसे जैसे पार्क की संख्या बढ़ रही है और झूलों की संख्या बढ़ रही है, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि हम नॉर्मल कंडीशन में अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, उसी सब के बारे में हमने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं बच्चों बी कंडीशन की। देखिए बी कंडीशन में क्या होता है, ये जो पॉइंट है ना इसको ब्लिस पॉइंट बोलते हैं बच्चों, ब्लिस पॉइंट। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि यह बताता है कि यहां से लेके वस्तु अगर आप इसकी एक्स जीरो क्वांटिटी तक यूज करोगे तो यह सामान्य वस्तु कहलाएगी, सामान्य वस्तु कहलाएगी, नॉर्मल गुड्स। और यह आर्थिक बुरी, इकोनॉमिकल बैड, आर्थिक बुरी वस्तु कहलाएगी, ठीक है, इकोनॉमिकल बैड। यानी कि अगर आप इस लिमिट के बाद भी यूज करोगे तो ये इकोनॉमिकल बैड बन गए। इसी तरीके से ये सामान्य वस्तु कहलाएगी, यहां तक अगर आप वाई जीरो तक यूज करोगे इसके बाद इकोनॉमिकल बैड बन जाएगी। तो बी डायग्राम में हमें बता रहा है, देखिए बी डायग्राम जो है वो कॉम्बिनेशन है इसका, ओ वाई जीरो का और इसका, यानी कि बी जो है वो ये बता रहा है, देखिए इस तरीके से हम लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लिख रहे हैं। इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव से स्लोप में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ये टू है, ये वन ले लेते हैं। तो ये ऊपर की तरफ का मतलब है हायर इंडिफरेंस कर्व, मैं आपको हायर इंडिफरेंस कर्व भी बता रहा हूं। एक्स वर्ड जो है वो है हमारा, आप कह सकते हो प्रदूषण, ठीक है, और यहां पर हम वाई गुड्स पर लिख लेते झूले, यानी कि हमारे लिए जो प्रदूषण है, ठीक है, प्रदूषण और झूले, यानी कि यहां पे हमें बताने की कोशिश की जा रही है कि जो ज्यादा झूले होंगे उनको ज्यादा पसंद करेंगे। और क्योंकि यहां पे देखिए आपको अगर मान लीजिए सपोज कीजिए एक ट्रेड ऑफ होता है, यानी कि ज्यादा पार्क हो और यहां पे चलिए झूले की जगह पार्क लिख लेते हैं, उससे कोई बात नहीं, आपको मेनली तो समझना है कि ज्यादा पार्क और ज्यादा प्रदूषण एक तरीके से आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखेगा, ठीक है। तो ये हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई गुड्स इकोनॉमिकल बैड है और इकोनॉमिकल गुड है, ठीक है, तो इस केस में जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो इस तरीके से बनेगा, अगर एक्स एक्सिस पे आप इकोनॉमिकल बैड गुड्स और वाई एक्सिस पे इकोनॉमिकल गुड गुड्स को लिखते हो, तो ये हमारा बी कॉलम हो गया। सी स्थिति ये वाली है जिसमें दोनों ही गुड्स जो है वो इकोनॉमिकल बैड है, आप देख पा रहे होंगे इससे इधर की तरफ चली गई, इससे भी ऊपर चली गई। तो इकोनॉमिकल बैड का मतलब हुआ जब दोनों ही चीज वस्तुएं आर्थिक दृष्टि से कम कुशल हों या खराब हों, तो उस स्थिति में इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो उत्तोदर बनेगा, यानी कि जो नीचे इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखा रहा है। यहां पे हम मान लीजिए रख लेते हैं पार्क, ठीक है, सॉरी पार्क नहीं, यहां पे रख लेते हैं प्रदूषण और यहां पे रख लेते हैं कचरा, गंदगी, ठीक है। यानी इसका मतलब हमेशा एक व्यक्ति कम प्रदूषण और कम कचरे को पसंद करेगा एज कंपेयर टू ज्यादा पॉल्यूशन और ज्यादा कचरे से। तो अगर दो गुड्स इकोनॉमिकल बैड है तो ये इस तरीके की शेप ले लेता है। डी ऑप्शन में ये मैं बता रहा है इस तरीके की चीजें, देखिए इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं आईसी जीरो, वन, आईसी टू, आईसी थ्री। तो इस तरीके से हायर इंडिफरेंस कर्व है, अब ध्यान से समझ लीजिएगा, ये हायर इंडिफरेंस कर्व है। इसका मतलब यहां पे हम लिख लेते हैं क्या, प्रदूषण, और यहां पर लिख लेते हैं पार्क।
तो इसका मतलब उपभोक्ता जो है, अगर वाई एक्सिस पे इस तरीके का इकोनॉमिकल बैड गुड्स है तो इस तरीके की शेप होगी जिस तरीके की हमने आपको बनाई है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस में किस तरीके का डिफरेंस कर्व होता है बच्चों, वो हमने डिस्कस किया। एक और केस लेके चल रहे हैं जिसमें एक गुड्स जो है वो जैसे दवाई है, एक समय तक यूज करोगे तो इकोनॉमिकल गुड गुड्स है, उसके बाद बैड बन जाती है। तो इस तरीके का डिफरेंस कर्व बनेगा। इसका मतलब अगर आप कंजम्पशन कर रहे हो इस लिमिट तक तो ये आर्थिक दृष्टि से अच्छी गुड्स है, और अगर इसके बाद आप यूज करोगे तो आर्थिक दृष्टि से ये खराब गुड्स बन जाएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन में ये वाला आप बहुत जरूर याद रखिएगा अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों हम जो है वो पीजीटी के लिए, नेट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए, डिफरेंट डिफरेंट यूजी और पीजी प्रोग्राम के लिए कोर्सेज बनाते हैं। तो देखिए अगर यूजी और पीजी हो या कुछ भी हो, आपको पढ़ना तो कॉन्सेप्चुअली पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।